लगभग 50,000 करोड़ का बजट है, इतना इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। मालूम हुआ हमारा सिमुलतल्ला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, केजरीवाल मॉडल पे काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी। हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है, इतना इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहां से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतल्ला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे। और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सर केजरीवाल मॉडल पे काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ, देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी। जिनको 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 संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़े पढ़ावे, हमको अंबेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते। मंत्री जी, आपका एजेंडा है समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए, हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम एक महीना मेरा वर्ष संचालित कर दो। ऐसा रोना नहीं, 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया, हमने कहा कि भैया आप वर्ष संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे, तो स्कूल में जाकर अगर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है? एक आदमी बोलो, एक बहुत बड़ी समस्या है सर, एक आदमी सेशन देरी का बहुत बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा जो है सेशन जो लेट चल रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है, और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है चाहे जहाँ से मॉडल लाना पड़े। सर सेशन लेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार की सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है, 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, आप सबको मालूम है, ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है।